नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 28 अगस्त शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मन्नत गार्डन के आसपास की 2 हेक्टेयर जमीन का अतिक्रमण खाली कराने के बाद अब प्रशासन की नजर जमीन पर कब्जा करने वाले गुड्डू कलीम पर टेढ़ी हो गई है। अब प्रशासन इस पूरे इलाके की जमीन का रिकॉर्ड एक बार फिर से खंगाल रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं और सरकारी जमीन पर तो कब्जा नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई को मुहर्रम के दौरान लगे नारों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शुक्रवार को ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम ने हरी फाटक ओवर ब्रिज से लगी 2 हेक्टेयर जमीन खाली कराई थी। 100 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर 200 से ज्यादा गुमटी, दुकान, कारखाने और गोदाम स्थापित कर दिए गए थे। इन सब से गुड्डू कलीम किराया वसूलता था। नाप झोंक में जमीन सरकारी निकलते ही प्रशासन ने सब कुछ ढहा दिया। इस क्षेत्र में नदी किनारे की करीब 80 बीघा जमीन प्रशासन पहले ही मुक्त करा चुका है। दरअसल हरी फाटक ब्रिज के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जे की शुरुआत अब से करीब 20 साल पहले हुई थी। तब प्रशासन में कांग्रेस की सरकार थी और गुमटी रखकर यहां कब्जा किया जा रहा था। तत्कालीन कलेक्टर सीपी अरोरा और एसपी मुकेश गुप्ता ने तब गुमटियों को साफ करा दिया था और इसकी शिकायत मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से की थी। तब सीएम ने कलेक्टर से इस मामले में रास्ता निकालने को कहा था। उस वक्त रास्ता तो नहीं निकला लेकिन जमीन पर कब्जा बढ़ता चला गया। इसी कड़ी में प्रशासनिक गलियारों में अब वजीर पार्क कॉलोनी की जमीन में भी सरकारी जमीन दबी होने की चर्चा गूंज रही है। इसके चलते प्रशासन इस इलाके की जमीन की नाप जोक करने की तैयारी कर रहा है। खरसोत कला पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1,20,000 रुपए नगद और वारदात में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। दरअसल 6 अगस्त को पेट्रोल पंप कर्मचारी दिलीप गहलोत के साथ लूट की वारदात हुई थी। 3 मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने दिलीप को ओवरटेक पर रोका था और मारपीट कर उससे रुपयों से भरा बैग छीन ले गए थे। बैग में 1,47,000 रुपए थे। पुलिस ने इस मामले में भाट पचलाना के एक युवक को हिरासत में लिया है तो उसने 5 अन्य साथियों के नाम बताए। इसमें से 3 युवक कानवन थाने के पायकुंडा और 2 देपालपुर थाने के भिड़ोता के रहने वाले हैं। सभी ने वारदात करना कबूल कर लिया है। इनसे 3 मोटरसाइकिल और 1,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने 3 मोटरसाइकिल उसमें से 1 मोटरसाइकिल देपालपुर से चुराई थी। एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि वारदात का मास्टरमाइंड भाट पचलाना का है। उसने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। मास्टरमाइंड चोरी करने का आदी है। ये थाना क्षेत्र में हरसोद गांव पड़ता है, वहाँ एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट की घटना हुई थी 8 अगस्त को। 6 युवकों ने डंडा मारकर उसमें हमला किया और उसका जो बैग था उसके बैग छीन के ले गए। उस बैग में उसका पासबुक 1,47,000 रुपये और कुछ उसका हिसाब था पेट्रोल पंप का। इसमें हमने साइबर सेल की मदद से जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक उसी गांव का रहने वाला है और 3 लोग धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के हैं, 2 देपालपुर इंदौर के हैं। कुल 6 लोग इस घटना में शामिल थे। हमने इसमें 1,20,000 रकम बरामद की है। आगे इनका पीआर लेंगे और जो बाकी के रकम है वो भी प्रयास करेंगे। और इसके अलावा घटना में उपयोग होने वाली 3 मोटरसाइकिलें और पासबुक जब्त की गई। ये एक दिन पहले भी इन्होंने वहाँ रेकी करी थी और घटना को अंजाम देने के लिए प्रयास किया था लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। अगले दिन फिर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। लक्ष्मीनगर क्षेत्र के हिस्ट्री शूटर डब्बू भदौरिया ने गुरुवार रात चेन स्नेचिंग की 1 नहीं 2 वारदात की थी। एक मामले में फरियादी ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है जबकि दूसरे में पीड़ित की शिकायत थाने नहीं पहुंची है। 15 से ज्यादा अपराध करने वाले खुशवंत उर्फ डब्बू भदौरिया कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है। बाहर निकलते ही उसने एक बार फिर वारदातें करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसने गुरुवार को जमकर गदर मचाया। पहले ये पता चला था कि डब्बू ने एक महिला की चेन खींची है लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसने 1 नहीं 2 चेन खींची थी। पहली चेन उसने सेठी नगर निवासी ठेकेदार वज्र गोपाल यादव से छीनी थी। यादव दुकान पर खड़े थे और डब्बू ने चाकू अड़ाकर चेन लूट ली। 7 ग्राम वजनी चेन लूट की रिपोर्ट वज्र गोपाल यादव ने शुक्रवार शाम माधवनगर थाने में दर्ज करा दी लेकिन पुलिस को अभी तक उस महिला का इंतजार है जिसकी चेन डब्बू ने छिनाई थी। फिलहाल पुलिस डब्बू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
शाहला ने स्पोर्ट्स एंड वियर की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ शनिवार को सुभाष नगर चौराहा पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु जी, पूर्व मिस्टर इंडिया जितेंद्र सिंह कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, जितेंद्र कृपलानी ने किया। दरअसल इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स एंड वियर की डिमांड लंबे समय से बनी हुई थी। ग्राहकों की इस डिमांड को देखते हुए संचालक हितेश शाहलानी ने दूसरी ब्रांच क्षेत्र में खोली है। शाहलानी स्पोर्ट्स पर जिम एसेसरीज, स्पोर्ट्स सामान और किट, गर्ल्स एंड बॉयज स्पोर्ट्स वियर की एक लंबी रेंज उपलब्ध है। संचालक हितेश शाहलानी ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को स्पोर्ट्स के सामान की खरीदे के लिए सिटी या फिर फ्रीगन जाना पड़ता था। अब उन्हें सारा सामान उचित कीमत पर विशाल रेंज के साथ सुभाष नगर क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जाएगा। मेरा नाम हितेश शाहलानी है और ये शाहलानी स्पोर्ट्स का हमारा सेकंड ब्रांच यहाँ पे ओपन हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ के नागरिकों से ये सुनने में आ रहा था, यहाँ पे ज़रूरत है काफ़ी स्पोर्ट्स की, उन लोगों को फ्रीगंज या सिटी जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दूसरी ब्रांच का आज उद्घाटन रखा। तो माननीय श्री मोहन यादव जी, मंत्री जी हमारे, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे थे और गुरु जी हमारे आयरन जिम के संचालक बबली भैया भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी जी और महामंत्री जी, अब कभी जितेंद्र कृपलानी जी, इन लोगों के साथ सब मिलकर के हमने आज उद्घाटन किया हमारी दूसरी शॉप का। हाटपिपलिया थाना क्षेत्र में सीहोर जिले की सीमा के पास गांव घूसट में जंगलों में 22 अगस्त को अर्ध बेहोशी की हालत में मिली महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। आईजी योगेश देशमुख ने महिला की शिनाख्त करने या पता बताने वाले को 30,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पहले एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम रखा था। 6 दिन गुजरने के बाद भी महिला के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। महिला घूसट और दुराड़ा के बीच जंगल में गंभीर हालत में मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।